सही सही लोग मिडिल क्लास नहीं है, मिडिल फिंगर क्लास है। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूं इस्माइल और ये है मेरे साथ हुज़ैफ़ा सज्जाद। हुज़ैफ़ा सज्जाद, तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं फर्जी ट्रेलर का जी, जो शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जो हमने देखे हैं हाल ही में। उनकी लास्ट फिल्म आई थिंक विक्रम आई थी, इसमें उसके बाद से उनकी काफ़ी क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी में हो चुके हैं। विक्रम जो उनकी सुपर सुपर हिट मूवी रही थी, उसके बाद अब वेब सीरीज़ में आ रहे हैं अमेजोन प्राइम वीडियो की। फर्जी में शाहिद कपूर हैं, विजय सेतुपति हैं। तो बहरहाल ये राज और डीके ने इस सीरीज़ को बनाया, क्रिएटर वो हैं। के मैनन भी इसमें शामिल हैं इनके साथ। बहरहाल तो अमेजोन प्राइम वीडियो की बड़ी सीरीज़ है, काफ़ी टाइम से इसका वेट चल रहा था, बहुत एंटिसिपेशन थी इसके पीछे। राशि कौन? राशि फीमेल जो लीड है इसमें, वो राशि, ठीक है। मैं प्रॉपर मुझे पूरा नाम लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो काफ़ी टाइम से इसका वो चल रहा था, एंटिसिपेशन थी, इंतज़ार कर रहे थे लोग, और ये बहुत ही इसकी की बनाई हुई थी, एक हाइप बनाई हुई थी शाहिद कपूर ने। शाहिद कपूर की पहली वेब सीरीज़ आ रही है, तो काफ़ी हाई होप्स हैं। तो देखते हैं, आप भी हमारे साथ देखें कि इसमें क्या है। होपफुली तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें, देखें, चलें। 1 2 3 एंड स्टार्ट। पैसा पैसा, ये डायलॉग सिर्फ वो लोग मारते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। नहीं समझा? साला मुझे इतना पैसा कहाँ है कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं आती। हाँ भाई, गर्मी लगे तो पैसा जला दो हाथ देखने के लिए, कोई सर्दी लगे, सर्दी लगे। ओ भाई, नकली नोट छापेंगे। अभी विक्रम में आ गए है ना? वो गोली मार दी पैर पे है ना? के मैंने फिरोज की कसम, फिरोज तो गया। बिल्कुल बदमाश कंपनी जो मूवी थी ना, वैसी वो वाइब्स आ रही हैं। एक्शन भी है, पर क्या डायलॉग्स भी हैं। ये बंदा हमेशा मिनिस्टर बना होता है। लोग तो धांसू है भाई। 10 फरवरी को आ रही है। 10 फरवरी, जी जी जी। प्राइम वीडियोस पे हो रही है सिर्फ? हाँ, तो एक्सक्लूसिव है ना प्राइम वीडियो का, उनकी अपनी ओरिजिनल सीरीज है। जो तो ये था ट्रेलर फर्जी का, यार बहुत जबरदस्त लग रहा है मुझे तो। मैं तो कॉमेडी भी लग रहा है, एक्शन भी है। हाँ, और वो जो बदमाश कंपनी मूवी की वाइब्स आ रही हैं काफी सारी ना, जो आई थिंक काफी टाइम बाद जरा झोल वाली ऐसी कुछ मूवी टाइप आ रही है, जिसमें कोई ना कोई ये हेरा फेरी हो रही है पैसों की। यहाँ पे कहते हैं नकली नोट बना के बना दे रहे हैं वो पैसों, फर्जी नोट, फर्जी 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 नोट बना के मार्केट में जाके बना रहे हैं। देखते हैं इसकी कहानी क्या होती है। विजय सेतुपति पुलिस ऑफिसर बने हुए हैं इसके अंदर, के मैनन का भी वो टिपिकल जो बिजनेसमैन का रोल है उसमें दिखाया जा रहा है, जिसमें अक्सर उन्होंने प्ले कर चुके हैं। और वो शाहिद कपूर थोड़ा सा उसमें है अभी भी, मतलब वही है उनका लुक जैसा थोड़ा सा उसमें था इनकी मूवी जो आई थी
हाँ बदमाश कंपनी, नहीं कबीर सिंह, कबीर सिंह वाला थोड़ा सा है इसमें, नहीं हाँ थोड़ा सा है, थोड़ा सा टच पर डिफरेंट लग रहा है। अच्छा एकदम जब देखें याद करें ना शाहिद कपूर की हम फिल्म हिस्ट्री देखेंगे तो जो उन्होंने शुरू किया था जो कहते हैं ना कि चॉकलेट बॉय वाले रोल से, या जैसे एक होता है कि शरीफ जो होता था बच्चा होता था जो भी होता था डिसेंट बॉय, उससे उस रोल से उन्होंने शुरू किया था। बड़े अच्छे अच्छे हम उनकी मूवी देखें, विवाह देखें, ये वो वगैरह, लेकिन जो उन्होंने रीइन्वेंट किया अपने आप को, आई थिंक पहली उनकी जो पता नहीं वो मूवी आई थी वो मुझे उसका पता नहीं नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे गाना याद है पता नहीं वो गुल्लक तोड़े आ जा उसकी जो भी था उसके बाद से उनके रोल काफ़ी डिफरेंस हो गए। लेकिन आई थिंक मैं उनकी आगे वाली मूवी में ना ये चाहूँगा कि दोबारा वो विवाह जैसी या ऐसा कोई रोल अपना निभाएं जो बड़ा ज़बरदस्त निभाते हैं। मैं उनको उस रोल के अलावा किसी ऐसे, उनकी मूवी थी क्या कहते हैं जब हैरी मेट से, जब वी मेट मूवी थी ना वो, मैं इंग्लिश पे चला के जब हैरी मेट से वो जो हॉलीवुड मूवी है, तो ऐसे कोई रोल दोबारा मैं निभा सकता हूँ किसी में, देखना चाहता हूँ कि ऐसे अवतार में दोबारा वो आए बहरहाल। लेकिन नए से नए उसमें दे रहे हैं, कोई अच्छी कोशिश है उनकी काफ़ी, वो भी वो बेस्ट कर रहे हैं। हालांकि लास्ट मूवी जो उनकी जर्सी गई थी फ्लॉप गई थी, उसके बाद से अच्छा कमबैक हो सकता है उनके लिए डिजिटल में जो OTT पे डेब्यूट करने जा रहे हैं वो शाहिद कपूर भी। अब तो सभी जा रहे हैं, स्टार्स आ रहे हैं, अक्षय कुमार भी, शाहिद कपूर भी आ गए हैं, और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जो OTT पे आ रहे हैं, बस मेन शाहरुख खान, सलमान खान ही गाना रह गया अभी उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी आ रही है, रोहित शेट्टी की जो वेब सीरीज आ रही है द इंडियन पुलिस फोर्स, उसके भी ट्रेलर भी हम रिएक्शन करेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे ही जाके डिजिटल मार्केट में आ रहे हैं बढ़ चढ़ के, और लोग कह रहे थे कि भाई कि OTT के बाद अब सिनेमा वगैरह बंद होंगे क्योंकि लगातार इनकी लाइन टू लाइन पे मूवीज फ्लॉप हो जा रही थी बैक टू बैक। बट देखें हाई होप्स हैं, देखें लेकिन कोई भी एक्टर अडेप्ट कर रहा है ये नहीं छोड़ रहा कि वेब सीरीज पे भी आ रहा है, फ्यूचर के साथ अडेप्ट कर ही जा रहा है, अपने आप को चेंज करने पे लगे पहले में हर चीज़ पे किया जा रहा है। ये नहीं कि मैं फिल्म मूवीज का हीरो हूँ तो मैं सीरीज नहीं करूँगा, कंटेंट पे चल रहे हैं। वही हो गया कि इस डिजिटल की वजह से ना OTT प्लेटफॉर्म के आने की वजह से और आज ज़माने की तलने की वजह से कंटेंट जो है ना वो अब बॉस हो गया, किंग हो गया, एक्टर सबसे बड़ा सुपरस्टार हो गया और हर एक्टर अपने आप हमें और करने की पूरी कोशिश ऐसे ही है। अब उम्मीद रखूंगा इसी तरह से चीज़ें बढ़ती रहेंगी और हमें नई से नई कोई ना क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। तो बहरहाल ये था हमारा रिएक्शन, होपफुली आपको पसंद आया होगा। हमें आगे सजेशन देने के लिए कोई नई मूवी का या किसी भी मूवी का कोई वीडियो का रिएक्शन करें हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपने सजेशंस दें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी वो भी दबा दीजिए, घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी नई से नई वीडियो आ जाना आपको पता चलता रहे उसके, करें और अपना ख्याल रखें। होपफुली आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए साइन ऑफ करते हैं, अस्सलाम वालेकुम।